50,000 जो लोग हैं उनकी रोने की वीडियो दिखा रहे हो आप, उनकी परेशानी दिखा रहे हो। हल्द्वानी के लोगों से आपने पूछा कभी? आपने कभी हल्द्वानी के लोगों से पूछा कि उनके लिए वो कितना बड़ा थ्रेट बना हुआ है? वो 50,000 इलीगली माइग्रेंट जो बांग्लादेश से यहाँ पे आए हुए हैं, वही वहाँ पे रिक्शा चला रहे हैं, वही वहाँ पे अंडे की दुकान खोल रहे हैं, वही वहाँ पे सुट्टे और पनवाड़ी की दुकानें खोल रहे हैं, वही वहाँ पे नाई की दुकान खोल रहे हैं, वही वहाँ पे रोजगार कर रहे हैं, और जो हल्द्वानी के लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहा। तो क्या ये देश के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट नहीं है? 4400 परिवारों के अंदर 50,000 लोग रह रहे हैं, मजाक है ये चीज यार? एक परिवार के अंदर 10 से 12 लोग, ये देश की डेमोग्राफी नहीं बिगड़ रही है? ये थ्रेट है हमारे लिए कि उत्तराखंड सरकार ने ये निर्णय लिया कि पूरा रेलवे ट्रैक बना रहे हैं। 2.5-3 किलोमीटर का जो एरिया है वो आपका उस एरिया में पड़ता है, ट्रैक जो है वो एनक्रोचमेंट वाला एरिया आता है। तो उत्तराखंड सरकार ने बोला कि इस जगह को खाली कराना है। 20 दिसंबर को उत्तराखंड हाईकोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आप इन लोगों को हटा सकते हो, इनकी जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं इनको निकाल सकते हो, इनके अगर ये नहीं मानते प्यार से तो आप प्रशासन को जो भी निर्णय लेना है चाहे धक्का मार के जैसे मर्जी हटा सकते हो। जो उनके शुभचिंतक है वो आ जाते हैं बीच में, यानी हल्द्वानी के MLA सुमित हृदयेश, कांग्रेस के MLA, ये कहते हैं कि जी नहीं नहीं हम तो होने देंगे। इनके साथ में काफ़ी ऐसे अपोजिशन पार्टीज़ के जो लोग थे वो घुसते हैं बीच में और इन लोगों को बचाते हैं जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं, इनके साथ खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि हम इसको नहीं होने देंगे और चैलेंज करते हैं हाईकोर्ट के, उत्तराखंड हाईकोर्ट के डिसीजन को, पिटीशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट में, और इनका सुप्रीम कोर्ट जो है उन पर स्टे लगा देता है। उत्तराखंड जैसी जगह पर रेलवे ट्रैक लेना वो बात नहीं है कि चलो भाई ये गली ख़राब है तो अगली गली से ट्रैक निकाल देंगे। अगर इस देश के मुसलमानों के साथ बराबर नहीं होती तो मैं आपको बताऊँ ऐसी कौन सी, क्या कोई मुसलमान मुझे ये बताए कि मेट्रो के अंदर, बसेस के अंदर या फ्लाइट के अंदर आपके कार्ड पे रिलीजन को देख के टिकट डिसाइड करी जाती है प्राइस का? क्या आपको राशन देते वक्त डिसाइड किया जाता है कि आप मुसलमान हो या हिंदू है? क्या सरकार ने कभी भी आपको ये बोला कि कोविड के टाइम पे वैक्सीन नहीं लगेगी आपको क्योंकि आप मुसलमान हो? क्या कोविड के टाइम पे सरकार ने ये बोला कि राशन नहीं मिलेगा कि आप मुसलमान हो? तो कौन सा भेदभाव मुसलमानों के साथ हो रहा है भाई? आप ये समझ नहीं रहे हो कि ये प्रोपेगेंडा बेस्ड प्रोटेस्ट है जैसे शाहीन बाग लगा था? उत्तराखंड पूरा स्टेट जो है ना वो बहुत पीसफुल स्टेट है। उत्तराखंड के अंदर आप कब चाहे आप कुमाऊं साइड चले जाओ, गढ़वाल साइड चले जाओ, उत्तराखंड के अंदर आज भी लोग जो है ना वो रात को अपने घर को दरवाजा बंद करके सिर्फ इसी कारण से सोते हैं क्योंकि जानवर आ जाएंगे। वरना अगर जानवर का डर ना हो ना तो वहाँ के लोग दरवाजे खोल कर सो सकते हैं, इतना लोगों पे यहाँ पे ट्रस्ट होता है। अगर हल्द्वानी के लोग जो है आप उनकी वीडियो दिखा रहे हो, 50,000 जो लोग हैं उनकी रोने की वीडियो दिखा रहे हो आप, उनकी परेशानी दिखा रहे हो, हल्द्वानी के लोगों से आपने पूछा कभी? आपने कभी हल्द्वानी के लोगों से पूछा कि उनके लिए वो कितना बड़ा थ्रेट बना हुआ है? जो चीज़ें लीगल होती है सरकार कभी भी नहीं तोड़ती। अगर सरकार तोड़ती है, अगर वो अपने डेवलपमेंट के लिए तोड़ती है तो वो उनको प्रोवाइड करती है। दिल्ली के अंदर जब मेट्रो बनी थी तो क्या जिनके घर के बीच में आए थे उनको प्रोवाइड नहीं किया था? और वो भी छोड़ दो, दिल्ली के अंदर जो मेरे साथ अभी रहता है ना वो मेरे साथ अभी वसंत विहार चले, सरकारी बिल्डिंग बन रही है, 4 दुकानें सरकारी वहाँ पर आ रही है, सरकार ने बिल्डिंग तोड़ने का ऑर्डर दिया है और साथ में सरकार ने बोला है कि इन 4 दुकान वालों को सामने रोड पे सामने पार रोड दुकान मिलेगी। चलो मेरे साथ में